2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसका अंदाजा राजनीतिक पार्टियों के चुनावी मोड में आने से लग सकता है। वहीं अब केंद्र से लेकर सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और लोगों से सीधा जनसंवाद शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत बीजेपी ने शिक्षित वर्ग से की है और शिक्षित वर्ग को बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन यूपी की सभी विधानसभाओं में किया जा रहा है। कानपुर देहात के भोगनीपुर में भी 11 सितंबर से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज हो गया था और बीजेपी कानपुर देहात में भी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई थी, जिसके चलते बीजेपी ने कानपुर देहात में दूसरे प्रबुद्ध वर्ग का आयोजन किया। दूसरे प्रबुद्ध वर्ग का आयोजन कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में किया गया। प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेत्री और यूपी के राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही बीजेपी शासन काल में देश और प्रदेश में तेजी से विकास होने और हर क्षेत्र में काम होने की बात कही। वहीं कानून व्यवस्था तेजी से सुधरने का दावा किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।